नमस्ते, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। वेलिंगटन में भारत न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। भारत की पहली पारी 165 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 216 रन बना लिए। लेकिन दूसरे दिन तो भारत की बल्लेबाजी पहले दिन से भी खराब रही। टीम इंडिया ने दूसरे दिन की शुरुआत 122 रन पर 5 विकेट से की और सिर्फ 43 रन जोड़कर टीम 165 रनों पर ढेर भी हो गई। दिन की शुरुआत में पहले ओवर में ही ऋषभ पंत ने छक्का जड़ दिया। उन्होंने बता दिया कि वो किस मंसूबों के साथ मैदान पर उतरे हैं। वो खतरनाक अंदाज में दिख भी रहे थे, लेकिन उनके दूसरे दिन के चौथे ओवर में ही वो हो गया जो कोई भी बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल नहीं चाहता। पारी के 59वें ओवर में ऋषभ पंत रनआउट हो गए। अजिंक्य रहाणे का विकेट बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर तब क्या हुआ। पारी के 59वें ओवर की दूसरी गेंद, रहाणे ने पॉइंट की दिशा में एक शॉट खेला। शॉट खेलते ही रहाणे दौड़ पड़े। पंत ने रहाणे को मना किया, लेकिन रहाणे तब तक आधी क्रीज पार कर चुके थे। रहाणे को इतने आगे बढ़ता देख पंत ने भी दौड़ लगाई और क्रीज के अंदर पहुंचने से पहले ही एजाज पटेल की गेंद स्टंप्स पर लग गई। पंत ने रहाणे के लिए अपना विकेट सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने 19 रन बनाए। पंत ने रहाणे के लिए अपना विकेट तो गवाया, लेकिन उनके विकेट गवाने के बावजूद रहाणे बाद में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। रहाणे भी इसके बाद चौथे ओवर में ही वापस लौट गए। रहाणे सिर्फ 46 रन बनाकर ही आउट हो गए। वो अपने पहले दिन के स्कोर में सिर्फ 8 रन और जोड़ सके। उनके अलावा अंत में ना तो अश्विन चले ना ही ईशांत। बुमराह तो खाता भी नहीं खोल सके। हालांकि शमी ने बल्ले से 21 रनों का योगदान दिया, जिसकी वजह से भारतीय टीम 165 रन बना सकी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का एक खराब प्रदर्शन सभी को अखर रहा है। दूसरे दिन ऋषभ पंत और रहाणे चाहते तो एक बेहतरीन शुरुआत दिलाकर टीम को कम से कम 200 रनों के पार पहुंचा सकते थे, लेकिन टीम इंडिया ने दूसरे दिन बेहद खराब खेल दिखाया। लेकिन फिर भी ऋषभ पंत का विकेट जिस समय गिरा, उसकी वजह से भारतीय टीम ने शुरुआत में ही लय खो दी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने भारत के स्कोर पर 51 रनों की बढ़त ले ली है, जबकि उसके 5 विकेट ही बचे हैं। गेंदबाजी में ईशांत शर्मा ने 3 अहम विकेट चटकाए। उनके अलावा अश्विन और शमी ने भी 1-1 विकेट लिया। हालांकि जसप्रीत बुमराह को दूसरे दिन के खेल में कोई भी विकेट नहीं मिल सका। अब अगर टीम इंडिया को मैच में वापसी करनी है तो उसे बाकी बचे 5 विकेट जल्दी आउट करने होंगे। इसके अलावा दूसरी पारी में एक बड़ा स्कोर भी बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे यूट्यूब पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। ऋषभ के साथ मैं हूँ विपिन, शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.लल्लनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।